मेरे बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों में ये डाउट है कि क्या हमारा 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर एक साल में कंप्लीट नहीं होता है तो क्या होगा? हो सकता है कि ये सवाल आपका भी हो। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि पूरे एक साल में यदि आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है तो क्या आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं होगा, इस चैनल का क्या होगा, पूरा डाउट आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वीडियो पूरा अंत तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होता है। लेकिन इसमें कंडीशन एक यूट्यूब ये भी देता है कि आपको ये सारे क्राइटेरिया आपको पिछले एक साल में कंप्लीट करना है। अब यदि मान लो कि आप आज 24 अगस्त 2020 को आप अपना YouTube चैनल, नया YouTube चैनल बनाते हैं और उसे मोनेटाइजेशन इनेबल कराने के लिए आप अपने चैनल पर मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, मेहनत करते जाते हैं और उसके बदले आपको सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम मिलता जाता है। अब ऐसे में आप 24 अगस्त 2020 से लेकर 24 अगस्त 2021 तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि YouTube का कहना है कि आपके जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होगा वो पिछले एक साल में, यानी कि पिछले 12 महीने में आपके कंप्लीट होने चाहिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। अब पिछले 12 महीने कहने का मतलब ये है कि आप 24 अगस्त 2020 से लेकर 24 अगस्त 2021 तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप ये सोचिए कि जिस दिन आप चैनल स्टार्ट किए हैं 24 अगस्त 2020 तो उसी दिन तो आपके चैनल पर उतने सारे व्यूज और उतने सारे सब्सक्राइबर नहीं आए होंगे। हो सकता है कि अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर से आपके चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर आना स्टार्ट हुए होंगे, जिससे आपको वॉच टाइम भी मिलना स्टार्ट हुआ होगा। अब शुरुआती दिनों में तो आपके व्यूज और सब्सक्राइबर कम रहे होंगे, लेकिन सितंबर अक्टूबर से हो सकता है आपका ग्राफ थोड़ा बहुत ऊपर गया होगा। तो आपके पास अभी ऑप्शन है, आप अपने YT स्टूडियो में इस तरह से फिल्टर करेंगे और यहाँ पर पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखेंगे और इसमें आप अंदाजा लगाएंगे कि आपके पिछले एक साल में कंप्लीट हुए हैं कि नहीं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। पहले आप ये वाला स्क्रीन रिकॉर्ड देखिए। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये स्क्रीनशॉट समझ में आया होगा और साथ ही साथ आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।